हाय फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ आप यस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ आप यस बैंक क्रेडिट कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे बना सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और फ्रेंड्स आप कैसे इसको अप्लाई करना है सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीट बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी छोटा हुआ है, यहाँ पर मैं सिंपल आपको यहाँ पर कुछ स्टेप बताऊंगा जिन स्टेप को आपको फॉलो करना है तो आप इजिली यस बैंक क्रेडिट कार्ड को आप घर बैठे अपने मोबाइल से बनवा पाओगे। साथ ही फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे सभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको अप्लाई करना है। यस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से यहाँ पर मिल सकता है, सिंपल आपको कुछ स्टेप फॉलो करनी है, 100% आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यस बैंक क्रेडिट कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, पिन कोड नंबर डाल देना है। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्टार्ट नाउ दिख रहा है, इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी लोकेशन के लिए यहाँ पर पूछेगा तो आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है एंटर करोगे, अपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, इस वाले बॉक्स पे आपको टिक करना है और सेवन कंटिन्यू कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप सेवन कंटिन्यू करते हो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस वाले ओटीपी आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ओटीपी आ चुके हैं, तो यहाँ पर उसमें एंटर कर देना है और सेवन कंटिन्यू कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे आप सेवन कंटिन्यू करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने वापस नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको चार स्टेप में आप अपना क्रेडिट कार्ड यहाँ पर बना सकते हो, आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स पहले तो सबसे पहले आप डिटेल डाल के जैसे सेवन कंटिन्यू करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कि आप इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए आप योग्य है या नहीं हो ये चेक किया जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हो यस बैंक की तरफ से आपको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पर सक्सेस दिखाई देगा। तो फ्रेंड जैसे ही एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी उसके बाद में आपके सामने अप्लाई करने का प्रोसेस आएगा। अप्लाई करने में आपको काफ़ी सारे यहाँ पर आपको जो भी आपकी डिटेल है बेसिक डिटेल वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नाम है, आपका एड्रेस है, ये सभी आपको फिलअप करना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड का नंबर है, पैन कार्ड का नंबर है, सभी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। देन इसके बाद में कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे जिसमें आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो, अपनी सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो। ये सभी आप अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट में तभी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास यहाँ पर आपको जो आपकी सैलरी स्लिप या फ्रेंड्स आपकी जो भी आपकी सैलरी आती है वो अगर नहीं आती है आपके बैंक अकाउंट में तो फ्रेंड्स ये क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपल आपको अगर सैलरी मिलती हो 20,000 से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो आपको क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएगा। साथ फ्रेंड्स अगर आपके पास सैलरी स्लिप है या फ्रेंड्स आप कहीं पर भी जॉब करते हो और आपको सैलरी स्लिप मिलती है तो आपको 100% ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड बनने के लिए बस आपके पास सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिंपल मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी छोटे वीडियो में आपको समझा दिया है कि इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में नहीं आया हो और फ्रेंड्स आपको कोई आगे स्टेप समझ नहीं हो या फ्रेंड्स आपको कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम पर लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यही सोचा कि आपके लिए काफ़ी छोटा वीडियो आपको सिंपल में स्टेप समझा दूं कि इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड के अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने काफी सिंपल स्टेप में आपको ये समझा दिया है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा।